हत्या करना, एनकाउंटर करना, गलत एनकाउंटर करना, ये वहाँ आम बात हो गई है। मुंबई में सांस लेने के लिए पुलिस को पैसा देना पड़ता है, सांस छोड़ने के लिए पुलिस को पैसा देना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। जब अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगा फिर महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा नंगा नाच। महाराष्ट्र में वर्तमान में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह में आया हुआ निवाला छीनते हुए शरद पवार ने वहाँ एक नया गठबंधन करके सरकार स्थापित की, और जब से सरकार स्थापित हुई है तब से उस सरकार को अस्थिर करने में बीजेपी लगी हुई है। मुझे लगता है विरोधी पक्ष होने के नाते उनका एकमात्र काम रह गया है सरकार को लगातार डिस्टेबल करें, सरकार को लगातार हिलाते रहें। विकास के काम की ना तो सरकार बात कर रही है, ना विपक्ष बात कर रहा है। हाल ही में मुकेश अंबानी के घर के नीचे एक गाड़ी मिली, उसमें जिलेटिन मिले, उसके बाद जो हुआ हश्र वो सब आपने सुना ही होगा। एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर अरेस्ट होता है, वो इंटेलिजेंस यूनिट का हेड है, और उसके बाद जब परमवीर सिंह जो कमिश्नर है पुलिस के, उनको बोला जाता है कि आप भी चले जाइए, आपका भी तबादला होता है, तो उसके बाद परमवीर सिंह ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, और उसमें कहा कि मैं ही क्यों, मेरी क्या गलती है। जब गृह मंत्री देशमुख साहब खुद लोगों को बुला के 100 करोड़ रुपए बार से इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं हर महीने, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कंप्लेन जब उन्होंने की तो ये पत्र एक लेटर बॉम्ब के तमाम सरकार हिल गई। लगातार लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। शरद पवार से लेकर कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक के मानते हैं कि आरोप गंभीर है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि मंत्री जी को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, हम इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। सवाल ये है कि गृह मंत्री रहते हुए गृह मंत्री के खिलाफ कौन इंक्वायरी करेगा। रोबेरो साहब जो पुराने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और बहुत ख्यातमान है ईमानदारी के लिए, जब उनको बोला गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि शरद पवार ही इसको देख ले, ये गंदगी में मैं हाथ नहीं डालूंगा। क्या 100 करोड़ का आंकड़ा अतिशयोक्ति था? दोस्तों, मैं मुंबई को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कलेक्शन का रिपोर्ट जो है, जो आंकड़ा है, वो 4000 करोड़ के आसपास बैठता है हर महीने का, क्योंकि पैसा आता कहाँ कहाँ से है। ड्रग, फ्लैश ट्रेड, मतलब लड़कियों का जो धंधा करते हैं, बार, डांस बार, हॉलीवुड की फिल्मों में लगने वाला पैसा, अंडरवर्ल्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस को पैसा मिलता है, झोपड़पट्टी में झोपड़ा भी डालने के लिए पुलिस को पैसा मिलता है, बिल्डर जब झोपड़पट्टी का पुनर्विकास करता है उसमें भी उसको पुलिस को पैसा देना पड़ता है, मुंबई में सांस लेने के लिए पुलिस को पैसा देना पड़ता है, सांस छोड़ने के लिए पुलिस को पैसा देना पड़ता है। ऐसे में जिस शहर का टर्नओवर लाखों करोड़ का हो, वहाँ 4-5 हज़ार रुपये महीने का कलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात मेरे एक दूसरे कार्यक्रम में, दूसरे पोर्टल के कार्यक्रम में, सुनील टोके नाम के एक पुलिस अधिकारी ने, जो वर्तमान में पुलिस में काम कर रहे हैं, उन्होंने उजले माथे से आके कहा ये आंकड़ा 4000 करोड़ तक का है, और उन्होंने बताया कहाँ कहाँ से आता है। वो पुलिस अधिकारी इसलिए बोले गए, यानी बोल पाए, क्योंकि उच्च न्यायालय ने उन्हें उनकी एक रिट पिटीशन पर यह कहा है कि टोके साहब जो भी भ्रष्टाचार के केसेस उजागर करते हैं, सरकार उसको सीरियसली ले। क्योंकि टोके साहब ने जो भ्रष्टाचार के केसेस ऑडियो वीडियो दस्तावेज़ सर्वोच्च उच्च न्यायालय को दिए थे मुंबई, तब उन्होंने कहा था कि ये फैब्रिकेटेड है सरकार ने। फिर टोके साहब के वकील ने कहा तो फिर सीबीआई इंक्वायरी करके देख लिया जाए कि फैब्रिकेटेड है कि असली है। इससे सरकार डर गई और पीछे आ गई। उसके बाद उच्च न्यायालय ने भी माना कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, लेकिन डांस बार का खुलना हो या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बार बार लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो स्ट्रिक्चर पास हुए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उन तमाम आदेशों की धज्जियाँ उड़ती हैं। टोके साहब ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ एक पत्र भी देवेंद्र फडणवीस साहब ने कचरे के ढेर में डाल दिया था, क्योंकि वो जो करप्शन के चार्जेस लगा रहे थे वो देवेंद्र फडणवीस के समय थे। मैं बार बार हर चैनल पर हर जगह ये कहता हूँ, कोई भी सरकार आए मुंबई में, महाराष्ट्र में, चाहे कांग्रेस की थी, एनसीपी कांग्रेस की थी, बीजेपी सेना की थी, बीजेपी सेना एनसीपी बाहर से समर्थन थी, और उसके बाद एनसीपी सेना कांग्रेस है, तमाम कोई भी कॉम्बिनेशन में सरकार आए, वसूली का आंकड़ा उतना ही रहता है। क्योंकि मुंबई पुलिस को वसूली एजेंट के रूप में
लगातार हर सरकारें उपयोग में कर रही है। और जब आप अंडरवर्ल्ड को पैसे लेकर काम करने देते हो तो फिर वो भी एक डॉन बन गए हैं। यही कारण है कि वजह सचिन वजह को अब हत्या का भी मुकदमा का सामना करना पड़ रहा है। हत्या करना, इनकाउंटर करना, गलत इनकाउंटर करना, ये वहाँ आम बात हो गई है। क्या पुलिस भी सुपारी लेती है? यदि ये सवाल आपने पूछा, मैं कहूँगा हाँ लेती है, क्योंकि बॉम्बई में सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा डॉन मुंबई पुलिस है। लेकिन इस नैतिकता के पैमाने पर यदि हम देखें तो देशमुख साहब सत्ता में रहते हुए, अपने कुर्सी पर रहते हुए कैसा अपने आप को पाक साहब घोषित कर पाएंगे? क्यों कि देशमुख साहब का इस्तीफा इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसा परविंदर सिंह ने मुंह खोल के लेटर में लिखकर और सर्वोच्च न्यायालय में भी गुहार लगाई, बाद में न्यायालय ने उनको कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, वो सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं, वो चाहते हैं उनका जो तबादला हुआ है वो वापस हो। ऐसा ही यदि कल देशमुख को निकाला गया तो देशमुख भी कहेगा कि जो पैसा मेरे पास आता है मैंने अकेले ने तो नहीं खाया, ये तो पार्टी फंड में भी दिया। तो फिर शरद पवार को भी इसका जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय भी पैसा जाता होगा, उनको भी जवाब देना होगा। यही कारण है कि तेरी भी चूक मेरी भी चूक, हम में सब नंगे हैं, इसलिए फिर नैतिकता की दुहाई तो देते हैं लेकिन नैतिक का कोई नहीं करते। दूसरी बात, संजय राठौड़ का एक केस हो गया था, पूजा चौहान नाम की एक लड़की के साथ उसका शोषण के आरोप थे, उनका इस्तीफा लिया गया। लेकिन ऐसे ही आरोप जब लगते हैं देशमुख पे तो लिया नहीं जाता, क्योंकि संजय राठौड़ बंजारा समाज के थे और देशमुख मराठा समाज के थे। शरद पवार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शाहू फूले की बात करते हैं, लेकिन ये सब भाषणों में होता है, जब क्रियान्वयन का समय आता है तो फिर उनका घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है और वो हमेशा देखते हैं कि किसी भी हालत में मैं जो मराठा साम्राज्य है मेरा, इसको मैं हाथ नहीं लगने दूंगा और मराठों को मैं कभी नीचे उतरने नहीं दूंगा। यही कारण है कि देशमुख पे इतने आरोप लगने के बाद देशमुख अपने ही जगह पे है। और ये देशमुख पे पहली बार आरोप नहीं लगे, जिस मंत्रालय में देशमुख पहले भी रहे हैं वहाँ के अधिकारियों ने हमेशा देशमुख के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आनंद कुलकर्णी जब एक्साइज कमिश्नर थे तब उन्होंने अपने एक्साइज मिनिस्टर देशमुख के खिलाफ ऐसा ही फ्रंट खोला था। ये हिस्ट्री होते हुए भी वो बार बार मंत्री बनते हैं। क्यों कि मंत्री बनना इसलिए नहीं होता कि आपको सेवा करनी है, मंत्री बनना मेवा खाने के लिए होता है और मेवा बांटने के लिए होता है। शायद देशमुख साहब इसमें बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का किस्सा मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि सुर्खियों में छाया हुआ है। बीजेपी लगातार देख रही है कि महाराष्ट्र की सरकार अस्थिर कैसे हो और वहाँ कमल ऑपरेशन कैसा करे। लेकिन आंकड़ा अभी फिलहाल इन महाआघाड़ी के पास है, मतलब एनसीपी सेना कांग्रेस के पास है। कांग्रेस दुविधा में है कि ये करप्ट गवर्नमेंट अपने सर पे लेके चले या सरकार से वापस आ जाए। नाना पटोले से बात करो तो अलग रुख निकालते हैं, नितिन राउत से बात करो तो उन्होंने तो अपने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए दलित लोगों को कहा है। ये है कुल मिला के इस महागठबंधन की अंदरूनी कहानी। और जो पैसा मुंबई में आपको यदि लगता होगा 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा है, मैं बता रहा हूँ वो 4000 करोड़ का है। विश्वास के साथ सुनिए, कि तोलता हूँ तो सच्चाई पे तोलता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।